press the bell icon on the YouTube app and never. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडियाज भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे आरजू काजमी जी और नाजिया लाई खान जी का जबरदस्त और बड़ा ही मजेदार डिस्कशन। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी सी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। इतनी बेहुदा बेशरम बदतमीज पार्टी के प्रवक्ता और इतनी बेहुदा बदतमीज बेशरम इनकी परवरिश के इनके घर का भांजा भतीजा औरत को गंदी गंदी माँ बहन की गालियां रोड पर देता है। कोई केस नहीं बनता नाजिया इस तरह की बातों के ऊपर, तो केस बनना चाहिए, इनको सजा होनी चाहिए। अगर ये इतनी गलत बातें बोलेंगे किसी के भी बारे में तो उसमें तो केस बनना चाहिए। आप तो खुद लॉयर हैं, आपको तो मालूम होगा कि इनके ऊपर बनता होगा। मैंने किया है तो कई लोगों से अब माफीनामा भिजवा रहा है, अब कह रहा है कि मुझे माफ कर दीजिए। ये हाजिर अंग्रेज पहले तो कह रहा था सारे नेशनल न्यूज पर, तो मैंने तो वहीं पर टोक दिया, नेशनल न्यूज पर ही टोक दिया कि क्या बात है तू क्यों नहीं भेज रहा मुझे नोटिस का रिप्लाई, तो कह रहा नोटिस मिला नहीं है। अब जब केस हो गया है तो दो चार लोग मुझे फोन करके कह रहे हैं कि छोड़ दीजिए जाने दीजिए। अब बात आती है कि इनके ऊपर केस होता है, अकबरुद्दीन अवैसी अरेस्ट भी होता है, असदुद्दीन अवैसी अरेस्ट भी होता है, जेल की हिरासत में भी जाता है, पर हमारा संविधान इतना खूबसूरत है और इमरजेंसी के वक्त इंदिरा गांधी जी ने इतना तोड़ मरोड़ किया संविधान के साथ कि ये जितने जंगजू और आतंकी लोग हैं ये आराम से बेल भी पा लेते हैं, आराम से बेल पा लेते हैं। यही असदुद्दीन अवैसी से अगर आप पूछिएगा कि नासिर खान ने बलात्कार किया उसको आप इस्लाम से बॉयकॉट कब कीजिएगा, तो ये उल्टा आपको और मुझे ही गाली दे देंगे सीधा। मगर वो तो एक पॉलिटिशियन के तौर पे जाहिर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो आपने अभी नाम लिया इंदिरा गांधी जी का या इमरजेंसी जो लगी थी, हमने लास्ट टाइम बात भी की थी। तो अभी कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हमने देखा एयरपोर्ट पे जो हालत हुई, एक आदमी की जान भी गई बारिश की वजह से, तो उसके ऊपर कोई केस बनेगा क्या? क्योंकि 15 साल पहले वो बनाया गया था एयरपोर्ट और जो गिरा है तो जाहिर एक आदमी की जान जाना जो है वो बड़ी बात होती है। तो आपको नहीं लगता कि उसके ऊपर भी कोई केस होगा या किसी किस तरीके से गवर्नमेंट अब इन चीजों को कंट्रोल करेगी? केंद्र की सरकार, एक तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी ने जाकर के उसका इनॉग्रेशन किया था। मनमोहन सिंह जी तो वैसे ही पपेट की तरह साइड में खड़े हुए थे और सोनिया गांधी जी एकदम हाईलाइट होकर के उन्होंने सारी टीआरपी कमाई थी और उन्होंने उसका इनॉग्रेशन किया था। अब आप बताएं कि कैसे लोगों को इन्होंने टेंडर दिया था कि वो 15 साल का बना हुआ एयरपोर्ट धम से गिर गया और एक एक व्यक्ति की जान भी चली गई और ये लोग आराम से बैठे हुए हैं और राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं संसद में बैठ करके कि मेरा माइक ऑफ कर दिया जा रहा है, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। भैया तुम्हारा माइक तुम्हारे पास ही रहता है, तुम्हारा माइक का कंट्रोल किसी और के पास नहीं रहता है। अभी मैं अपने लैपटॉप का आवाज कम कर दूं और मैं कहूं कि आरजू जी आपने ठीक नहीं किया, आपने मेरी आवाज बंद कर दी, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं होती है बहुत सी चीजों की। आरजू जी मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश के कानून को बहुत सख्त होने की जरूरत है। हमारे देश के कानून में सर तन से जुदा को भी एक टेरर एक्ट में लाने की जरूरत है। हमारे देश के कानून में ऐसे लोग जो यहाँ के मेजोरिटी को धमकाते हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू मेजोरिटी को आराम से धमकाते हैं और इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर ये बेल भी पा लेते हैं और ये खुले छुट्टे सांड की तरह घूमते भी हैं। इससे क्या होता है कि कानून बहुत कमजोर दिखाई देता है। मैं आपको कल की बात बता देती हूँ, कल ओडिशा हाईकोर्ट ने एक बलात्कारी को बेल दे दिया। अब बेल का जजमेंट आप सुनिएगा तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि बेल दिया क्यों। बेल इसलिए दिया क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता था। अब इसकी कहानी भी मैं आपको बता दे रही हूँ। एक 5 साल की बच्ची अपने भाई के साथ मोदी दुकान में गई थी ग्रोसरी शॉप में कुछ चॉकलेट्स वगैरह लेने के लिए। 2 घंटे गुजर गए, 3 घंटे गुजर गए, 4 घंटे गुजर गए, बच्ची आई भी नहीं और लड़का भी बच्चा भी नहीं आया। तब पूरे गांव वाले जब उसको ढूंढने के लिए निकले तो पता चला कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और किसी मुस्लिम ने किया है और वो बलात्कार इतने बुरे तरीके से हुआ था, इतने बुरे तरीके से 2014 में हुआ था। और उसके बाद जब उसको हिरासत में लिया गया वो बच्ची मर गई, हॉस्पिटल तक भी उसकी सास उसका साथ नहीं दे पाई। और मतलब एक होता है रेप और एक होता है कि एक गुस्सा निकालना किसी हिंदू बच्ची के ऊपर, तो वो रेप नहीं था, वो गुस्सा निकालना था बच्चे के ऊपर कि वो हिंदू क्यों है। और उसके बाद फिर उसको
उड़ीसा हाई कोर्ट इसलिए छोड़ता है क्योंकि वो जेल के अंदर नमाज पढ़ता है। तो सिर्फ शरिया लॉ, हाँ ये शरिया लॉ सिर्फ आपके यहाँ नहीं चल रहा है, ये हमारे यहाँ जोर जबरदस्ती अवैसी जैसे लोग चलवा रहे हैं, अवैसी जैसे लोग हमारे भारत में भी चलवा रहे हैं। मगर शरिया लॉ में नमाज पढ़ने पे सजा खत्म हो जाती है, ये तो मैंने नहीं सुना कभी। देखिए देखिए अरसू जी, आप जिस देश में रहती हैं, आप पाकिस्तान इस्लामिक देश में रहती हैं, और आपके यहाँ इतना फ्लेक्सिबल है कानून, इतना फ्लेक्सिबल है ब्लास्फेमी पे, आपके यहाँ बहुत कड़ी सजा है, बहुत कड़ी सजा है ब्लास्फेमी पे। मैंने आपके काफी सारे आर्टिकल संविधान के पढ़े हैं, और गाय बगाय मैं उसका रेफरेंस भी देती हूँ अलग अलग चैनलों पर, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी परवाह ना किए हुए सवात में कितना बड़ा हादसा हो गया, पुलिस की हिरासत से निकाल करके उसको नंगा करके जलाया गया और फिर जली हुई बॉडी के चीथड़े उड़ाए गए। तो जिस तरह से आपके यहाँ किसी भी हाल में किसी भी तरीके से कोई संविधान मानने को तैयार नहीं है, ठीक उसी तरीके से अवैसी का ग्रोह, अवैसी का ग्रुप और अवैसी को मानने वाले लोग किसी भी तरीके से भारत के संविधान को मानने को तैयार नहीं है। अब क्योंकि आपके वहां पर क्या होता है कि जज से लेकर के मोहरी से लेकर के पेशकार से लेकर के पुलिस से लेकर के सारे मुसलमान होते हैं, तो वो इस्लाम की बातों को समझते हैं और वो कहते हैं कि ए चुप रहो, ये शरिया में नहीं है, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें शरिया बताना पड़ता है कि ये झूठ बोल रहा है, हमें अरबी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना पड़ता है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना पड़ता है, तब इनको हमारे जजेस को समझ में आता है कि ये झूठ बोल करके आपको बेवकूफ बना रहा है। और इस चक्कर में आरजू जी मैं इतनी हार्श हो चुकी हूँ कि कई जजेस मुझसे नाराज रहते हैं कि नाजिया बहुत ब्लंट बोलती है, नाजिया बहुत साफ बोलती है, मतलब ऐसा साफ बोल देती है जो शायद एक औरत होने के नाते वो शब्दावली को का मुझे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूं। अब आप कहिए कि वो 5 साल की महज 5 साल की बच्ची को जो इंसाफ नहीं मिला, अब उसके लिए तो मुझे कोर्ट में जा करके ये बताना पड़ेगा कि भैया ये शरिया वरिया में कुछ नहीं है, क्यों कोई नमाज पढ़ता है वो बलात्कार कर रही है, ऐसा कहीं नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको 17 जून की मैं बात बता रही हूँ। 17 जून को उत्तर प्रदेश के एक ग्राम में, एक गांव में एक मस्जिद थी जिसमें रिजवान नाम के एक मौलवी साहब थे, और रिजवाना उनकी उनकी बेगम थी। रिजवान साहब अपने स्टूडेंट्स के साथ सेक्सुअल रिलेशन करते थे और उनकी अहलिया, उनकी बीवी मौलवी साहब की वीडियो शूट करती थी रिजवाना। नहीं, इस पे तो सजा होनी चाहिए, चाहे कोई भी करे, चाहे वो मौलवी हो चाहे आम आदमी हो, इसके ऊपर तो बहुत सख्त सजा होनी चाहिए, तभी लोग रुकेंगे। अगर ऐसे ही, हमारे यहाँ कई बार ऐसा हुआ कि लोगों ने मर्डर किए और उसके बाद सजा उन्हें मिली नहीं, कहा गया कि हाँ जी सजा दे दी है, फांसी की सजा ये वो, लेकिन वो अभी तक आराम सुकून से रह रहे और जेल में है या जेल के बाहर है, लेकिन अभी तक सजा ही नहीं हुई है। लेकिन होनी चाहिए, अगर अगर अनाउंस की जाए पनिशमेंट तो बिल्कुल वो मिलनी चाहिए, वरना तो सोसाइटी में ये चीजें बढ़ती जाएंगी, इनको रोकने के लिए करना तो होगा। और ऐसे मुजरिमों को छुड़ाने के लिए ये अवैसी की टीम खड़ी हो जाती है, भाई अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये सब तो हुआ हमारे भारत में, हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी 2023 के विंटर सेशन में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि अगर 20 मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते तो अफजल गुरु को कभी फांसी नहीं होती, हम बचा लेते हैं अफजल गुरु को। अब आप बोलिए, तो जब भी हम ऐसे आतंकी, ऐसे बेहुदा, ऐसे बलात्कारी को पकड़ते हैं, उसको जेल की हिरासत में पहुंचाते हैं, उसके फेवर में, उसके पक्ष में उसका उसकी आवाज बन करके अवैसी की टीम खड़ी हो जाती है और हमें मलाइन करवाती है, करवाते हैं अवैसी साहब अपने अपने प्रवक्ताओं से। दिल्ली में उनका प्रवक्ता है हाजी रंगरेज, वो मुझे रोज गालियां देता है, ट्वीट करता है कि मैं 6 लाख में अपना शरीर बेचती हूँ। नहीं, मेरा ख्याल है कि जो वर्किंग लेडीज हैं उनकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए, और मैं यही देखती हूँ कि सोशल मीडिया पे जो है वो कुछ भी कहते हैं, कुछ भी बोलते हैं जो नहीं होना चाहिए, चाहे किसी भी कंट्री के हों, किसी भी रिलीजन के हों। हमारे यहाँ भी इस तरह से सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ कुछ भी बोल रहे होते हैं, मैं तो ब्लॉक कर करके भी लोगों को थक जाते हैं लोग कि भाई कहाँ तक इनको रोका जाए। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं इनकी तरबियत, इनके फैमिली बैकग्राउंड का असर होता है जो ये इस किस्म की बातें करते हैं। ठीक है, आपको किसी की बात हो सकता है पसंद ना आए, लेकिन उसके लिए आप तमीज का दामन तो नहीं छोड़ सकते कि आप कुछ भी कह रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। लेकिन बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर भी अवैसी साहब क्या करते हैं, और जो लेटर आपने उनको दिया है, जो जो मैं दिखा भी रही थी, सजेशन करना चाहूंगी कि असदुद्दीन अवैसी
और इसके परिवार के जितने भी लौंडे लोग हैं, मर्द लोग हैं, ये इतने बदतमीज और इतने झूठे हैं, संसद में खड़ा होकर के कह रहा है कि मेरे वॉचमैन को, मेरे गार्ड को मारा गया है। अब आप सोचिए कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बंगले के भीतर घुस करके एक मामूली बच्चे लोग उसको मार सकते हैं और वो अरेस्ट नहीं होंगे। पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है, कितना झूठा है और इतना मक्खन मलाई लगा करके पिटिशन जमा करवा करके FIR करवाया है कि असला था, बारूद था और काली कल तो हर जगह कैमरास लगे हुए हैं, तो कोई रिकॉर्ड होगा, कुछ होगा, कुछ पेश किया। कैमरा दिखा दे ना भाई, तू पूरी पूरी रिकॉर्डिंग दिखा दे, तू पुलिस को जमा कर दे। अरे मैं आपको बता रही हूँ, अराफात से लेकर के हाजी रंगरेस से लेकर के MIM के जितने प्रवक्ता हैं और MIM के जितने नेता हैं, इतने बड़े झूठे और जुबान के इतने खराब हैं कि अगर कभी आपका आप तो नेशनल न्यूज पे बैठती हैं हमारे भारत के, अगर आपका सामना हो गया, आप सिर्फ इतना कह देना कि भाई हमारे भारत, हमारे पाकिस्तान में तो भारत माता की जय नहीं बोला जा सकता। आप देखिएगा कि MIM के प्रवक्ता आपको कितना मलाइन करेंगे, मेरी इस बात को सिर्फ मान लीजिएगा, सिर्फ इतना कह करके देखिएगा, इतनी गंदी गंदी भाषा। और फिर आपको ट्वीट में भी टैग करेंगे कि आरजू काजमी बहुत आवारा औरत है, ऐसी औरत है, वैसी औरत है। तो असदुद्दीन अवैसी ने एक्चुअली में अपना एक ग्रोह बना करके रखा है गुंडाइज्म का, गुंडों का अपना एक ग्रोह बना करके रखा है डराने धमकाने के लिए, डर के आप चुप रहे हैं। हाँ, लेकिन असल बात यही है कि डर के चुप नहीं रहना होता, और अगर सच्ची बात है तो वो फिर हम लोग बढ़ के करते हैं, डरते नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच नाजिया, क्या जा पाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और आज हमने मैचिंग पहनी हुई है, मैंने अभी देखा ऑलमोस्ट मैचिंग है। So, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और आरजू काजमी जी और नाजिया लायक खान जी का ये पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा, और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा खुद नाजिया लायक खान जी जो सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, उन्होंने कैसे भारत के कानून को पाकिस्तान के कानून से भी ज्यादा कमजोर बताया, और जैसे ही भारत में कोई सच बोलता है तो ओवैसी और लेफ्ट के जो गुंडे हैं वो उन्हें हरास करना और तंग करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि नाजिया खान जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया। तो आशा करता हूँ वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे, और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी नॉलेजेबल और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, जय भारत।